बाराबंकी जिले के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिले की युवा और लोकप्रिय सांसद प्रियंका सिंह रावत की ओर से रामनगर कस्बे में किसान सम्मेलन और समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जहां कृषि विभाग की तरफ से किसानों को शून्य लागत खेती के गुर सिखाए गए, तो वहीं स्टॉल लगाकर उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने एक बार फिर सांसद प्रियंका सिंह रावत की लोकप्रियता पर मोहर लगाने के साथ ही विपक्षी दलों समेत सांसद विरोधी खेमे में खलबली भी पैदा कर दी है। आपको बता दें कि जिस रामनगर इलाके में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहां से बीजेपी विधायक शरद अवस्थी सांसद प्रियंका के धुर विरोधी माने जाते हैं और सांसद विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके किसान सम्मेलन के मौके पर मिले भारी जन समर्थन से उत्साहित सांसद ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान देश की जान है। पीएम मोदी द्वारा लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं और 2022 तक इस दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जी मैम, ये क्या प्रोग्राम है और किसानों को क्या इसमें लाभ मिलने वाला है? हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, देश की जान किसान है और किसानों का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। योजनाओं के माध्यम से, सिंचाई योजना के माध्यम से हो, चाहे ऋण मोचन योजना के माध्यम से हो, चाहे खाता खोलने से लेकर हो, चाहे उज्ज्वला योजना से लेकर हो, तमाम ऐसी योजनाएं हम सबके बीच में आई, किसानों को सीधा सीधा जोड़ने का अपना काम किया है। आज ये शून्य पे लागत वाला, जीरो पे अपना ये काम शुरू करने के लिए और अपने देसी खेती के लिए तमाम ऐसे ये कार्यक्रम आज शून्य लागत से लेकर ये कार्यक्रम, किसान गोष्ठी का ये कार्यक्रम भी रखा गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों की दुगनी आय के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए और सभी क्षेत्रवासियों के लिए जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म समाज के हों, उनके सर पे छत के लिए लगातार वो प्रयास कर रही योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। यही सब कार्यक्रम है।